हेलो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है वो NDA-2 2019 प्रिपरेशन प्लान है, जो कि मैं पूरे जून मंथ का बता रहा हूँ। 10 जून से लेकर लगभग 30 जून तक का ये लगभग प्लान होगा, क्योंकि आप लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं। आप लोगों में से कई लोग ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हुए हैं, क्लासरूम कोर्स में जो चल रहा है वो आप हमेशा जानना चाहते हैं, तो वो प्लान मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आप बहुत ही पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन करिए, और क्योंकि आपके पास कोर्स होता है तो आप थोड़ा सा, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप उसके आगे का भी पढ़ सकते हैं या पीछे का छूटा हुआ भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, दूसरा, इस बार जो जो चीज़ें चेंजेस हुई हैं वो मैं सबसे पहले बता दूं। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि सर, अगर हम सेल्फ स्टडी करें तो भी मैं आपको बोलूँगा यही प्रिपरेशन प्लान रखें, आप लोगों के लिए अच्छा होगा। कोई ये ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुछ और करना पड़े, बस क्लासरूम कोर्स या ऑनलाइन कोर्स से जुड़ने का फायदा ये होता है कि आपको बहुत सारी टेक्निक्स, कंसेप्ट, लॉजिक्स, एक प्रेशर्स, वो सब चीज़ें मिलती हैं। अदरवाइज आप जैसे भी चाहें वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करता हूं मैं कि मैंने इस बार सबसे पहले प्लान ये किया है कि एलजेब्रा के बेस 10 जून से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की जाए। अब ट्रिग्नोमेट्री कहां से पढ़ना चालू करना है वो समझ लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करना है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से पढ़ना चालू, यानी आपको डिग्री, रेडियन, इन तक के रिलेशंस को पहले पढ़ना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल टू वन, इतना बेसिक से पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कवर करना है। इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सारी चीज़ें कवर करना है, सर्कुलर फंक्शंस मतलब 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, ये सारा पोर्शन कवर करना है, सम डिफरेंस फॉर्मूलेज, ये पूरे कवर करना है। उसके बाद अच्छा पढ़ते समय क्या ध्यान रखें, एक चीज़ याद रखें, पहले पूरा बेसिक पढ़ें, पूरी ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चंस करें। अब अकॉर्डिंग टू टाइम आप प्लान कर लें, या तो आप आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा या एनसीईआरटी कोई एक बुक को जरूर फॉलो करें, जिसको कंप्लीट करें। वीडियोस पूरे दिए हुए हैं, पहले वो देखिए, फिर उसके बाद बुक की एक्सरसाइज करिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। फिर इनके एनडीए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस स्टार्ट करिए, जो लगाएं 2010 से अब तक, और सभी चीज़ें डिटेल में आपको टॉपिक वाइज दिए, आप उसी ऑर्डर में पढ़ाई करिए। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बाद फिर करना है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के बाद फिर आपको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के बाद हाइट एंड डिस्टेंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पहले नहीं पढ़ना, इनवर्स के लिए पहले आपको फंक्शन का बेस कवर करना है। तो हमने टारगेट ये लिया कि लगभग 22-25 डेज में ये पोर्शन यहाँ पे कवर किया जाए। तो आप भी ये ट्राई करें कि इतने दिन में करें। अब आप पहले कर लें तो भी अच्छा है, और इससे ज़्यादा टाइम लगता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट करें बहुत अच्छे से और डिटेल से करें, जिससे कि आपको इसका रिजल्ट मिले, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर जुलाई में मैं कैलकुलस स्टार्ट करूंगा तो फिर लूंगा। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई, वो ध्यान रखिएगा कि इनवर्स के पहले आपको फंक्शन का एक बेसिक पढ़ना है, डोमेन रेंज, फिर इनवर्स पढ़ें। तो ट्राई करिए कि करीब करीब 20-30 डेज के बीच में ये टॉपिक आपका कवर हो जाए, पहला काम हुआ। और हर दिन कम से कम मैथ्स 2 आवर मिनिमम, मैक्सिमम 3-4 आवर, जितना आप दे सकते हैं उतना दीजिए। आप 12th अपेयरिंग है तो भी आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ये टॉपिक 12th के नहीं है, पर अगर आप 12th अपेयरिंग है तो ये टॉपिक पढ़ लें। वैसे भी कैलकुलस का ये बेस है, कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री ही इतना अच्छा पोर्शन है जिससे आप 50 तक क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जीएस की, तो जीएस में स्टार्ट होगा पॉलिटी, और जो पूरे जून में चलेगा, राइट। जीएस में पूरे जून में जो पोर्शन चलने वाला है वो पॉलिटी है, पॉलिटी को कवर करिए, क्योंकि मेजर टॉपिक्स आपको समझना है। फिर बात आती है इंग्लिश, तो इंग्लिश में जैसे अभी नाउन चल रहा है, नाउन के बाद आर्टिकल, आर्टिकल के बाद प्रोनाउंस, ये वाले पोर्शंस को कवर किया जाएगा, तो इसी ऑर्डर को आप फॉलो करिए। फिजिक्स में अभी इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, उसके बाद मैग्नेटिज्म स्टार्ट होगा, ये पोर्शंस को आप इस जून मंथ के लिए समझ लीजिए। अब आप लोग जो डाउट पूछते हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी रेगुलर, क्योंकि जुड़ते जा रहे हैं, आप पुराने हैं, अगर आपने पहले से कोर्स लिया है पूरा कवर कर चुके हैं तो भी इन टॉपिक्स को कवर करते चले, क्योंकि इस बार आपने देखा होगा इस संडे को भी और हर संडे अब आपको मैथ्स और जीएटी इस बार स्टार्टिंग से मिलेगा। दूसरा, अब टाइम कम होता जा रहा है, अब 6 मंथ नहीं है, अब हमारे पास 5 मंथ्स हैं, तो टाइम एकदम निकलता जाए उसके पहले आपको तैयारी रखनी है। फिर आप में से कुछ लोगों ने टीईएस के लिए अप्लाई किया, नेवी टेक के लिए, उसका जब कॉल आएगा तो उसकी एसएसबी प्रिपरेशन भी आपको मैं बताता चलूंगा किस ढंग से करना है, पर आप अपने आप को बिल्कुल फोकस रखिए, क्योंकि टाइम निकल जाए उसके पहले अपने आप को तैयारी करिए। तो आप जिन लोगों ने NDA-1 दिया था और जो 2 की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास एक गोल्डन चांस है, सब कुछ आता है, वो इस सिलेबस को और जल्दी कर सके, बहुत अच्छा है। जो लोग फर्स्ट टाइम देने वाले हैं वो बिल्कुल एक एक चीज़ के कंसेप्ट बना के पढ़ें। तो जो आपके क्वेश्चन थे कि सर क्या इतने दिन में ही करना जरूरी है, मैं आपको एक टेंटेटिव आइडिया दे रहा हूँ। जब हम क्लास में चलते हैं तो हम ये पोर्शन को इतने दिन में कवर कर रहे हैं, केमिस्ट्री का एक बेसिक टॉपिक्स ही होगा कवर। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा कि ये एक आइडिया दिया मैंने आपको कि आप इस ढंग से पढ़ें,
बाकी आप एलजेब्रा, अगर आपके पास मैथ्स में एक्स्ट्रा टाइम है तो मैं बोलूंगा एलजेब्रा के टॉपिक्स एक्स्ट्रा करिए, जैसे लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, प्रोग्रेशन हुआ, प्रोग्रेशन के बाद बाइनोमियल थ्योरम हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, मैट्रिसेस हुआ, डिटरमिनेंट, अगर आपके पास एडिशनल टाइम है जो आपने पूछा था। क्योंकि लास्ट ईयर तक हम लोग पहले एलजेब्रा करते थे, इस बार मैंने एलजेब्रा इसलिए नहीं रखा पहले क्योंकि ये पोर्शन बड़ा पोर्शन है, इससे ज्यादा स्कोरिंग आती है, और इस बार जो आपको टेस्ट मिलेंगे, लास्ट ईयर वाले टेस्ट नहीं होंगे, उनमें ये टॉपिक हर टेस्ट में इंक्लूड हो पाए, इसलिए इस ऑर्डर में हमने आपको टेस्ट प्लान किया हुआ। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो अदर एंड पे अगर कुछ करना चाहें तो एलजेब्रा करिए, वो आपके काम आएगी। जब कैलकुलस चला करूंगा तो अदर एंड पे आप लाइक प्रोबेबिलिटी कर सकते हो, स्टेटिस्टिक्स कर सकते हो, इस प्लान से करिए। तो मैं आपके सेशंस रेगुलर लेता रहूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप अभी भी जुड़े हैं तो अभी भी बिल्कुल पहले, तो अगर आप अभी जुड़े हैं, क्योंकि अभी अभी में बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, तो आप इसी ऑर्डर में अपनी पढ़ाई करना चालू करिए। पहले क्लासरूम शेड्यूल के हिसाब से पढ़ें, फिर अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है तो फिर आप जो टॉपिक्स हो चुके हैं उनको कवर कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और बहुत फोकस होकर पढ़ाई करिएगा। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे बिल्कुल मैसेज करें। देखिए मैं इसीलिए सेशन के थ्रू, क्योंकि कई बार आपसे बात नहीं हो पाती, पर आपके मैसेज मैं जरूर रीड करता हूँ, इसीलिए सेशन लेता रहता हूँ। तो अभी आपका सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये था कि क्लासरूम में क्या चल रहा है, तो क्लासरूम का प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया कि 10 जून से लेकर 30 जून तक लगभग ये प्रोग्राम चलेगा। आप इसको फॉलो करें, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। इसी ऑर्डर में आपको टेस्ट मिलेंगे, जैसे इस संडे आपको प्रोग्रेशन का टेस्ट मिला था और साथ में आपको जीएटी का टेस्ट मिला था, नेक्स्ट संडे से आपको ट्रिग्नोमेट्री के टेस्ट मिलेंगे और साथ में जीएटी के टेस्ट मिलेंगे, और जो जो टॉपिक्स कवर होते जाएंगे इस बार आपके वो सभी टेस्ट मिलेंगे और प्रीवियस टॉपिक के टेस्ट भी ऐड होते जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। बस इतना ही आपको बोलूंगा, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।